नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ। दोस्तों, जब से आईपीएल शुरू हुआ है तब से दोस्तों बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, टेलीग्राम पर मैसेज कर रहे हैं, यूट्यूब वीडियो में कमेंट्स कर रहे हैं कि 1xBet में पैसा डिपॉजिट किया है, बैंक से पैसा कट गया है, लेकिन 1xBet के वॉलेट में पैसा नहीं आया है, क्या करें। दोस्तों, अगर आप भी डिपॉजिट किए हैं और आपके साथ भी ऐसा हुआ है, या फिर दोस्तों आप डिपॉजिट करने वाले हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपका पैसा कट गया है तो क्या करें कि आपका पैसा वापस मिल जाए, और दोस्तों अगर आप डिपॉजिट करने वाले हैं तो कौन सा सबसे बढ़िया मेथड है, कैसे आप डिपॉजिट करेंगे जिसमें दोस्तों आपको कम फिलअप करना पड़ेगा और पैसा तुरंत डिपॉजिट हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो दोस्तों लाइक जरूर करें। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए पहले देखते हैं कि कैसे डिपॉजिट करें कि आपका पैसा कभी भी नहीं फंसेगा। मैं आपको डिपॉजिट करके दिखाता हूं और आप देखेंगे कितना टाइम लगता है पैसा डिपॉजिट होने में। तो यहां मैं लॉगिन कर लेता हूं। तो यहां मैंने ओपन कर लिया है 1xBet। अब यहां डिपॉजिट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही दोस्तों आप डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारा पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम यूपीआई है, यूपीआई है, लेकिन दोस्तों इसमें से आपको कोई भी सिलेक्ट नहीं करना है। आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। यहाँ बैंक कार्ड है, इससे भी आप नीचे आ जाएं और यहाँ देख सकते हैं ई वॉलेट्स, यहाँ आपको सेलेक्ट करना है। फोन पे कर सकते हैं या फिर आपको यूपीआई फास्ट के थ्रू करना है। अगर आप फोन पे से करते हैं तो यहाँ मिनिमम आपको 500 रुपये का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप इससे नीचे पे करेंगे तो आपका पैसा डिपॉजिट नहीं होगा, आपको मिनिमम 500 रुपये ही करना होगा। आप तो पहले इस चीज़ का ध्यान रखें, किसी भी आप मेथड से कर रहे हैं वहाँ जो मिनिमम अमाउंट दिखाता है उतना ही आपको मिनिमम करना है। अगर आप उससे नीचे करेंगे, उससे कम डिपॉजिट करेंगे तो डिपॉजिट नहीं होगा और आपका पैसा कट जाएगा, कभी वापस भी नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ जो मिनिमम दिखाएगा उतना कम से कम आप करें या फिर उससे ज़्यादा ही करें। अगर आप फोन पे से करते हैं तो यहाँ आपको अपना नंबर डालना है, फोन पे का जो नंबर है वो डालना है, यहाँ आपका नाम डालना है और पे करने के बाद जो UTR नंबर दिखता है उसे कॉपी करके यहाँ डालना है और आपको पेमेंट करना है इस UPI एड्रेस पर। इससे अच्छा मेथड है अगर आप UPI फास्ट के थ्रू करते हैं तो। अगर आप UPI फास्ट के थ्रू करते हैं तो यहाँ भी आपको मिनिमम 500 रुपये का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसमें आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना है, उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करना है। अगर आप मोबाइल से करते हैं तो अभी आपको सेम प्रोसेस करना है। यहाँ कंफर्म पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये QR कोड दिख रहा है और नीचे इसका UPI ID भी है, तो आप स्कैन करके पे कर सकते हैं या फिर UPI ID से भी कर सकते हैं। बेहतर रहेगा आप स्कैन करके पे करें। तो मैं पे करता हूँ। यहाँ दोस्तों आप किसी भी ऐप से पे कर सकते हैं, फोन पे से कर सकते हैं, गूगल पे से कर सकते हैं या फिर पेटीएम से भी स्कैन करके कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने स्कैन किया तो ऊपर आ गया नाम DK ट्रेडिंग, यहाँ भी है DK ट्रेडिंग। तो अब मैं इसे पे करता हूँ। दोस्तों, अगर आप फोन में ही डिपॉजिट कर रहे हैं तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कॉपी करने का। यहाँ आपको UTR नंबर दिख रहा है, उसके बगल में यहाँ देख सकते हैं कॉपी का ऑप्शन बना हुआ है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा और वहाँ जाके आप सीधा पेस्ट कर दें। मैं इस बोर्ड के थ्रू कर रहा हूँ, मुझे यहाँ डालना होगा। यहाँ दोस्तों मैं UTR नंबर डाल लिया हूँ। उसके बाद दोस्तों यहां आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। ये मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया, बस इतना ही करना है। उसके बाद दोस्तों ये डिपॉजिट हो जाएगा। यहां आपको ज्यादा कुछ फिलअप करना नहीं होता है, इसीलिए दोस्तों यहां मिस्टेक का चांस बहुत कम है। सिर्फ आपको UTR नंबर सही सही डालना है, जब कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं तो वहां गलती नहीं होगा। तो दोस्तों इसमें भी डिपॉजिट होने में 5 से 10 मिनट का समय लगेगा, लेकिन दोस्तों कन्फर्म है कि हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपका पैसा कट गया है तो आपको क्या करना चाहिए। पहले तो दोस्तों आप जो पेमेंट किए हैं उसका स्क्रीनशॉट रख लें। उसके बाद दोस्तों आप कस्टमर केयर को कॉल करें, हो सकता है दोस्तों वो ट्रांजैक्शन आईडी नंबर पूछे, इसीलिए आप स्क्रीनशॉट रख लें। और दोस्तों अगर ज़्यादा समय हो गया है तो दोस्तों आपको मेल करने के लिए भी बोला जा सकता है, इसीलिए दोस्तों आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर लें, वही दोस्तों आपको मेल करने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप फिर से कस्टमर केयर को कॉल करें और तब तक करें जब तक आपका पैसा वापस ना कर दे। अगर आप एक बार कॉल करके या मेल करके छोड़ देंगे तो आपका पैसा बिल्कुल भी वापस नहीं करेगा। आपको बार बार कॉल करना है, वो जो भी मांगे आप सब देते जाइए, आपका पैसा वापस कर देगा।
तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं जो पैसा डिपॉजिट किए हैं वो डिपॉजिट हुआ या नहीं। और दोस्तों आप देख सकते हैं ये डिपॉजिट हो चुका है, मुश्किल से दोस्तों 1 से 2 मिनट लगा है और ये डिपॉजिट हो गया है। मैं आपको फोन में भी दिखा देता हूँ, ये मैंने ओपन किया और यहाँ आप देख सकते हैं 500 रुपये जो मैंने डिपॉजिट किया है वो आ चुका है। तो आप भी UPI फास्ट के थ्रू डिपॉजिट करें, आपका पैसा जल्दी डिपॉजिट होगा और फंसेगा बिल्कुल भी नहीं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। और दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।